दरवाजे पर आए और कहते हो कि मैं लक्ष्मी के साथ विराजमान हूंगा। नारायण, आप भले 7 दिन में निवास करो मना नहीं है, पर 1 दिन ये पीपल के वृक्ष में मेरा वासा होगा और वो रविवार का दिन होगा। रविवार के दिन जो पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा, खाली हाथ आएगा, उसके घर में ये दरिद्रता प्रवेश कर जाएगा। भगवान विष्णु ने कहा, मान लो कोई जल लेकर आया, फूल लेकर आया, कोई सामान लेकर आया, तो दरिद्रता कहती अगर कोई वस्तु लेकर आया तो दरिद्रता उसके द्वार नहीं जाएगी। और कोई खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे आया तो ये दरिद्रता जाएगी। आज भी नियम है महाराज, पीपल का वृक्ष अगर दीवालों पर लग गया, कहीं लग गया, नहीं उखड़ रहा, बार बार उखाड़ा, फिर लग जाता, फिर उखाड़ा। भगवान शंकर का संपूर्ण शंकर के पूरे 13 के 13 बच्चे, शंकर भगवान की धर्म पत्नी माँ गौरा रानी, महारानी जगदम्बा, ये सब भगवान शंकर के शिवलिंग के आसपास विराज। तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि घर में अगर छोटा शिवलिंग है तो ये जरूरी नहीं कि नंदी होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कार्तिक होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं कि शंकर भगवान का संपूर्ण परिवार वहां पर होना जरूरी है। नहीं, शिव महापुराण की पशुपति कथा कहती है कि भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु से कहते हैं कि तुम सब मेरे पशु का रूप धारण कर